नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। बीपीएससी की तरफ से होने वाले शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर आए दिन कोई ना कोई अपडेट सामने आ ही रहा है। आयोग की तरफ से ये कई सारे निर्देश दिए जा रहे हैं और वहीं आपको याद होगा कि किस तरीके से आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने बताया था कि अपीयरिंग कैंडिडेट्स इस बार जो है वो इस एग्ज़ाम में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि काफ़ी विरोध किया गया था बीपीएससी शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम को लेकर। वहीं अब आपको यह भी बता दें कि बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने ट्वीट कर एक खास जानकारी दी है। जी हाँ, दरअसल उन्होंने कहा है कि अगर अभ्यर्थी बीएड और सीटेट परीक्षा में फेल कर गए तो उनका तीन में से एक अवसर जो है वो काउंट हो जाएगा, यानी कि एक अवसर उनसे छिन जाएगा, भले ही वो आगे के एग्जाम में उनका मेरिट लिस्ट में नाम शामिल हो या फिर नहीं हो। बता दें कि देर रात बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने ट्वीट की और ट्वीट करके तमाम जानकारियां जो है वो साझा किया है। बता दें कि जुलाई में बीएड और सीटेटी दोनों में शामिल होने वाले टीआरई उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते यह परीक्षा 31 अगस्त 2023 को या उससे पहले आयोजित हो। हालांकि उन्हें ध्यान रखना होगा कि इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने या ना होने पर भी उनका तीन में से एक मौका जो है वो समाप्त हो जाएगा। ये जानकारी ट्वीट करते हुए बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने दिया है। वहीं बता दें कि पहले शिक्षा विभाग द्वारा एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई थी, जिसके केंद्र की तरफ से जुलाई में होने जा रहे सीटीईटी पेपर वन में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को इस साल कक्षा 1 से 5 तक के लिए जो स्कूल में अध्यापक के पद पर नियुक्ति होती है उसके लिए परीक्षा में शर्त के साथ शामिल हो सकते हैं। और वहीं बीपीएससी की तरफ से निर्धारित अंतिम तिथि उनका परीक्षा फल प्रकाशित हो जाए और अगर ऐसा नहीं होता है तो संबंधित आवेदन अमान्य नहीं होगा। तो देखिए, इस तरीके से आयोग की तरफ से फैसला लिया गया है कि कब तक जो सीटेट और बीएड कैंडिडेट्स हैं वो अपीयर कर सकते हैं एग्ज़ाम में, और अगर उसके बावजूद भी वो इस शिक्षक नियुक्ति के एग्ज़ाम में बैठते हैं तो उनसे एक मौका जो है वो छिन जाता है, भले वो आगे उस एग्ज़ाम में पास हो या फिर फेल हो। तो देखिए, लगातार नए नए निर्देश जारी किए जा रहे हैं आयोग की तरफ से। वहीं आपको यह भी बता दें कि पिछली जो जानकारी बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने दी थी कि जो सीटेट पास कैंडिडेट्स थे वो लगातार यही अपील कर रहे थे कि उन्हें अपीयरिंग के लिए मौका नहीं दिया जा रहा है, उन्हें फॉर्म नहीं भरने को दिया जा रहा है, क्योंकि पिछले बार जो आयोग की तरफ से जानकारी दी गई थी उसमें यही कहा गया था कि जो अपीयरिंग कैंडिडेट्स होंगे उन्हें मौका मिलेगा। तो इसमें जो अभ्यर्थी हैं वो गलत तरीके से इसको समझ गए। उसके बाद फिर अतुल प्रसाद ने तमाम चीज़ें जो है बहुत ही क्लियरली बताया था कि अभी फिर से ऐसी चीज़ें आई है कि जो लगातार इसके बारे में बता रहे हैं कि सीटेड कैंडिडेट्स हैं वो भी अपीयरिंग हैं तो वो भी इस एग्ज़ाम में शामिल हो सकते हैं। और वहीं एग्ज़ाम के डेट को भी बदला गया है, क्योंकि सीटेड का एग्ज़ाम और जो बीपीएससी का एग्ज़ाम रखा जा रहा शिक्षक भर्ती के लिए दोनों एक साथ क्लैश हो रहा था, और उसी को ध्यान में रखते हुए बीपीएससी की तरफ से बीपीएससी शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम का डेट जो है वो भी बदला गया और इस एग्ज़ाम को नए डेट में शेड्यूल किया गया। तो देखिए, लगातार नए नए अपडेट्स, नई नई जानकारियाँ दी जा रही हो। और वहीं कल रात भी बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने ट्वीट किया था, तमाम जानकारियाँ उन्होंने साझा किया है, और अन्य डिटेल्स के लिए बीपीएससी के वेबसाइट पर भी जाकर चेक कर सकते हैं कि क्या कुछ जानकारी वहाँ पर दी गई है और किस तरीके से इस एग्ज़ाम में आप अपेयर हो सकते हैं या फिर अप्लाई कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न है तो वहाँ पर तमाम जानकारियाँ जो है वो दी गई है। वहीं देखिए, बार बार यह भी चेताते हुए नजर आते हैं अध्यक्ष और कहते हैं कि अभी जो भी कैंडिडेट्स ऐसा कर रहे हैं, किसी भी तरीके से भ्रामक चीज़ों को फैला रहे हैं, भ्रामक मैसेज दे रहे हैं, तो उनके ऊपर भी आयोग की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। तो बने रहे लाइव सिटीज़ के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, फेसबुक पेज को लाइक कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।